दोस्तों ये बाइक आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही प्यारी बाइक है। और आज से कम इसको हो गए होंगे करीब 25 साल से ऊपर हो गए हैं, और ये बाइक आपको 325cc डीजल इंजन पे है। ये आप देख सकते हैं डीजल इंजन पे है। आप गेस करिए कौन सी बाइक है। और यहाँ देख सकते हैं आप थोड़ा गौर करेंगे तो यहाँ से दिख जाएगी कि ये कौन सी बाइक है। चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो मैं बता दूँगा। देखिए ये सिंगल सिलेंडर में, और ये एयर फिल्टर है, ये इसका इंजन है। इंजन यहाँ से, इंजन ये है, इंजन यहाँ से है, और ये क्लच प्लेट है। ये क्लच प्लेट है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी क्लच प्लेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रेक है, इसका पिछला ब्रेक है। यहाँ से कुछ वायर गई हुई हैं, ये ऊपर देख सकते हैं आप। ये हैंडल हुआ है इसका तो, और इसका कुछ फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है, आप देख लें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पूरी मेटल की बाइक है, इसमें कहीं पर कोई भी फाइबर का यूज नहीं किया। तो मैं आपको फाइनली दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख लें। ये बाइक है सूरज, जो कि डीजल बाइक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 325 डीजल, तो ये डीजल इंजन में है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ही एंटिक पीस है ये, जो कि अब बिल्कुल ही रेयर है, शायद किसी के पास मिल जाए। और देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं, अभी इसका ओरिजिनल पेंट है। हाँ बिल्कुल ओरिजिनल पेंट है। और यहाँ पर सर ने नाइट में चलने के लिए हेडलाइट की जगह पे एक बल्ब जो कि है लाइट लगवा रखी है। इंडिकेटर वही हैं, इंडिकेटर वही है, जो स्टॉक में थे वही इंडिकेटर हैं। लाइट भी वही मुझे लग रहा है, बहुत ही मजबूत बाइक है। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके मीटर कंट्रोल में, तो कुछ इस प्रकार है, वैसा ही है जैसे पहले था, बस इसमें इसका जो डायमेंशन है ये थोड़ा सा घूम गया है। यहाँ पर ये स्टॉप नॉब है, जैसे ही बाइक आप स्टॉप करना चाहें इसको आप पुल कर लेंगे, स्टॉप हो जाएगी। यहाँ से इसके हैंडल बार देख सकते हैं, यहाँ से आपको हाई बीम, लो बीम और फिर हाई बीम आपको दिया गया है, मतलब आपको पासिंग के लिए भी यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हैंडल बार में कुछ नहीं है, ये जो आप स्विच देख रहे हैं ये स्विच किल स्विच की टाइप दिख रहा है, लेकिन ये किल स्विच नहीं है, इससे ये हेड लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका टैंक है, और टैंक 14 लीटर का टैंक है जो सर बता रहे हैं। और ये इंजन बेहद ही यूनिक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही, यहाँ से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा सूरज ऑटोमोबाइल लिमिटेड सहारनपुर से, और ये बिल्कुल ही ऐसा इंजन है मैंने पहली बार देखा है। और ये मेटल पे इसका फ्रंट फेंडर दिया गया है, यहाँ से इसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया है इसके सस्पेंशन को लेके किया गया है। यहाँ से आप ये जो अपने TVS के सस्पेंशन होते हैं वही दिए गए हैं, लगाए गए हैं, जो कि चेंज किया गया है। इसके टायर भी बदले गए हैं, टायर इसमें अभी MRF का पड़ा हुआ है, और 325/19 के टायर साइज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से आप टायर साइज़ देख सकते हैं 325/19 के, जो कि 19 इंच का इसका व्हील है और 325 इसका टायर विड्थ है। ये नाइलो ग्रिप प्लस के टायर इसमें डले हुए हैं, और इसका एडजस्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल ही यूनिक है, जो कि पहले ही बाइक में आता रहा है वैसा ही मिल रहा है। यहाँ पर इसके इंजन में की बात करें तो यहाँ पर इसके गियर लीवर में यहाँ से आप देख सकते हैं 3 लीवर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको किक स्टार्ट मिल जाता है, ये आपको गियर लीवर है, और यहाँ पर ये न्यूट्रल के लिए ये लीवर दिया गया है, बेहद ही यूनिक चीज़ है। और ये यहाँ पर ये फिल्टर है, तेल का फिल्टर करता है, ये ऑयल फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर, तो जो कि अभी बाइकों में आता भी नहीं कहीं पर भी। तो जानकारी ले लेते हैं सर से, तो सर यहाँ पर हैं हमारे साथ में। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो बाइक है आप कितने समय से यूज कर रहे हैं। ये
सन 94 से यूज कर रहे हैं। आप 94 से यूज कर रहे हैं? 94 में हमने नहीं लिया था। तो सर बता रहे हैं जो बाइक है वो 94 सन में उन्होंने लिया था और बहुत ही मजबूत बाइक है। तो आप तब से इस बाइक को आप ही चला रहे हैं? हाँ, हम चला रहे हैं, हमारे यहाँ में रहती और कोई दूसरा नहीं। अच्छा अच्छा। और ये डीजल में है आपकी बाइक? डीजल में है, पहले कंपनी वाले इसका एवरेज देते थे 85 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, 85 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, लेकिन अभी ये 60 से ऊपर। अभी भी 60? हाँ, 60 से ऊपर। अभी भी आपको ये 60 के ऊपर माइलेज दे जाती है? 60 से कम नहीं। तो यहाँ पर फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं, तो ये फ्यूल टैंक 14 लीटर का फ्यूल टैंक है और बेहद ही एंटिक चीज़ है। तो सर से इसको बाइक को स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। और हाँ जी, देखिए यहाँ पर कैसे स्टार्टिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर बैलेंसिंग व्हील है जो कि अंदर लगा हुआ है, स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर लीवर दिए गए हैं। मैं इसका आपको साउंड सुना दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छा साउंड है इस बाइक का अभी भी। लेकिन बाइक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।